इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का संगठन मेरे साथ उस समय खड़ा हुआ था। लिहाजा यह हुआ कि पूरे राजस्थान से पत्रकार, एक एक जिले से, एक एक उपखंडों से सारे पत्रकार शिष्टमंडल लेकर अपने ज्ञापन देना शुरू किया और स्थिति यह हुई कि अशोक गहलोत को उस मंत्री महोदय को ये बुलाकर ये कहना पड़ा कि भाई वापस ले ले। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जिला स्तरीय सम्मेलन जयपुर सहित जिले भर के पत्रकार जुटे एक जाजम पर। नसराबाद में ग्रामीण पत्रकार संघ सम्मेलन के बाद अजमेर में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिले के पत्रकारों को एक जाजम पर जुटाकर जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन संपन्न कराया। शास्त्री नगर स्थित लक्ष्मी नारायण समारोह स्थल पर शनिवार को आयोजित किए गए इस जिला स्तरीय सम्मेलन में IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़, न्यूज 18 के संपादक अमित भट्ट सहित विभिन्न अखबारों के वरिष्ठ पत्रकार, संपादक व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित सोशल मीडिया के कई पत्रकार बंधु मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनिता बदेल, भागीरथ चौधरी सांसद, कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार व ब्लॉगर सुरेंद्र चतुर्वेदी की अनुशंसा पर सांसद भागीरथ चौधरी ने पत्रकार भवन के लिए 5 लाख रुपये देने का वादा किया, तो वहीं विधायक अनिता बदेल ने अजमेर कार्यालय के लिए निर्माण राशि का 50% व्यय करने का भरोसा दिलाया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया और पत्रकारों के हितार्थ मांग पत्र पर चर्चा करते हुए इसे सरकार तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सांसद भागीरथ चौधरी ने जहां ग्रामीण पत्रकार कार्यालय के लिए सांसद कोष से 5 लाख देने की घोषणा की, वहीं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जिला मुख्यालय पर बनाए जाने के लिए 5 लाख की घोषणा भी की। नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप लामा ने जहां ग्रामीण पत्रकारों के लिए अपने कोष से जरूरी अंशदान देने का वादा किया, वहीं अजमेर की विधायक अनिता बदेल ने फेडरेशन के लिए बनाए जाने वाले कार्यालय हेतु निर्माण राशि का 50% हिस्सा विधायक कोष से देने की घोषणा की। विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता बदेल, रामस्वरूप लामा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर ने भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाने पर बल दिया। सांसद भागीरथ चौधरी ने भारतीय रेलवे द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधा के लिए आश्वासन दिया कि वह रेल मंत्री, जो कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं, उनके नज़दीकी मित्र भी हैं, उनसे बात करके यह सुविधा जल्द वापस से पत्रकारों को मुहैया करवा देंगे। उन्होंने रोडवेज में यात्रा देने की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने ग्रामीणों को समान रूप से आवासीय सुविधा दिए जाने की मांग का भी समर्थन किया। यही नहीं, उन्होंने टोल टैक्स पत्रकारों के लिए माफ़ करने की बात कही। अन्य राजनेताओं में देवनानी, अनिता बदेल, लांबा, महेंद्र गुर्जर, रामनारायण गुर्जर और विजय जैन ने भी पत्रकारों की 12 सूत्रीय मांगों का नैतिक रूप से समर्थन किया। पत्रकार सम्मेलन में न्यूज 18 राजस्थान के प्रमुख अमित भट्ट ने पत्रकारिता के अनुभवों को साझा करते हुए जो बातें कही वे वास्तव में नए दौर के पत्रकारों के लिए गीता के ज्ञान जैसी थी। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने इस अवसर पर पत्रकारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए संगठन की भूमिका पर चर्चा की, तो पत्रकारों ने उनका तहे दिल से समर्थन किया। सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र चौहान, सतीश शर्मा, रमेश अग्रवाल, गिरधर तेजवानी, शिव प्रसाद मित्तल, कमल प्रकाश, मनवीर सिंह चुनावत, आनंद शर्मा, नरेश राघानी, कुलभूषण शर्मा सहित कई पत्रकारों ने पत्रकारों की मांगों का समर्थन किया। करेंगे वो देखने लायक होगी कि उसको लोग पहचानना बंद कर देंगे कि क्या है। ये उनके इरादे थे, लेकिन उस समय संगठन था, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का संगठन मेरे साथ उस समय खड़ा हुआ था। लिहाजा ये हुआ कि पूरे राजस्थान से पत्रकार, एक एक जिले से, एक एक उपखंडों से सारे पत्रकार शिष्टमंडल लेकर अपने ज्ञापन देना शुरू किया और स्थिति ये हुई कि अशोक गहलोत को उस मंत्री महोदय को ये बुलाकर ये कहना पड़ा कि भाई वापस ले ले, क्या है, अगर सच्चा है क्या मामला, बोले मामला तो झूठा है, तो मामला झूठा है तो वापस ले ले। पर आप ताजुब करेंगे कि वो मामला बाकायदा लिखित के अंदर कि हमें गलत फहमी हो गई थी इसलिए ये मामला दर्ज करवा दिया गया था, वापस ले रहे, लिया FIR लगी। ये थी संगठन की कमी, केवल संकल्प शक्ति की है। हमें संकल्प करना है, विचार करना है, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना है। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली झूठ है। जिस सुरक्षा कानून के लिए हम बैठ